ह्यूंडई क्रेटा के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि जो चीज़ें गाड़ी के साथ में होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तो इस वजह से आप सभी को पता होगा, जो रेगुलर व्यूअर्स है या फिर जो सब्सक्राइबर्स है हमारे वो लोग अच्छे से जानते हैं, और जो लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोज़ को देखते हैं उनको भी पता है कि क्रेटा के बारे में क्या कुछ सीन होने वाले हैं। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर उनसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियोज़ को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देख लिया करो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होए, और जो भी हम आपके तक पहुँचाना चाहते हैं प्रीवियस वीडियोज़ के कंपैरिजन में, जो नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के अंदर हम आपको पहुंचाते हैं, वो सारी आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे और ये सारी चीज़ें जो है वो आप देखते रहो। बाकी और ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं 2023 के अंदर इंडिया के अंदर आने वाले, वो सारे वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर क्रेटा के बारे में डिटेल में बात होने वाली है कि क्या कुछ चीज़ें आपको गाड़ी के साथ में चेंजेस के साथ में होगी, और पिछले वीडियो के कंपेरिजन में जो भी अपडेट्स हमारे पास आए उन सब की भी डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लेना। बाकी क्रेटा के साथ साथ सेल्टोस के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, वो भी मतलब कई लोगों की इंक्वायरीज ज़्यादातर क्रेटा और सेल्टोस के बारे में होती है, तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि सेल्टोस वगैरह के भी मतलब जो भी आप देखना चाहते हो अपकमिंग कार्स के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। हमने बात की थी क्रेटा के 4 रीजंस की पिछले वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात होगी क्रेटा के फीचर्स की, लॉन्च और प्राइसिंग में आपको इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सटीरियर के अंदर कितने चेंजेस क्रेटा के साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रंट की बात होगी, तो ग्रिल की बात करें फ्रंट के अंदर, तो वहाँ पर आपको ट्यूसॉ से इंस्पायर्ड ग्रिल देखने को मिलने वाली है, ऑफकोर्स क्योंकि वो नई वाली ट्यूसॉ जो हमने देखी है उसी से बेस्ड होगी, तो इस वजह से वो भी आपको बेबी ट्यूसॉ लगने वाली है नई वाली क्रेटा। आपको DRL ग्रिल के अंदर मर्ज देखने को मिलने वाली है, फ्रंट बम्पर जो होगा वो पूरा आपको चेंज देखने को मिलेगा, वर्टिकल शेप के अंदर हेडलैम्प्स होंगे, साइड प्रोफाइल में टायर साइज और डायमेंशन सेम होंगे लेकिन अलग अलग सी डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलेगी। रियर की प्रोफाइल में आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स को हटाकर आपको सेपरेटेड टेल लैम्प्स दिए जाने वाले हैं, जो कि अगेन अग्रेसिव डिज़ाइन आप बोल सकते हो। रियर का बम्पर सेम ट्रीटमेंट के साथ में आएगा एज़ कम्पेयर टू दी फ्रंट बम्पर, पैनोरामिक सनरूफ फॉग होगा, वॉइस असिस्टेंट के साथ में 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 का एडास, ये सारी चीज़ें आपको एक्सटीरियर के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो मोटा मोटी दौर पे जो हाईलाइट करने जैसे फीचर्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। बाकी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गाड़ी के साथ में होगा कि आपको इंटीरियर के अंदर कितने चेंजेस देखने को मिलने वाले या फिर कितने चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल वाला होगा और बहुत सारे फीचर्स को लेकर आने वाला है। अल्कज़ार के साथ में जो हमें अभी देखने को मिल रहा है वही सेम यूनिट हालांकि ये होने वाला है, लेकिन उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम का UI और थीम जो होगी उसको कस्टमाइज़ किया जाने वाला है, जिस वजह से और ज़्यादा फ्लूइडिटी आपको देखने को मिलने वाली है। बात की जाए और चीज़ों के बारे में, आपको गाड़ी के साथ में एम्बियंट लाइटिंग होगी, प्रॉपर लेवल 2 का एडास होगा, फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड होगी, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा होगा, वेंटिलेशन के साथ साथ हीटिंग का फंक्शन भी सीट्स के अंदर देखने को मिलेगा, फ्रंट की दोनों सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी, ड्राइवर सीट आपको क्रेटा इनलाइन और क्रेटा के कुछ सिलेक्टिव वेरियंट के अंदर मेमोरी फंक्शन के साथ में देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर के अंदर है, मोटा मोटी तौर पर हाईलाइटेबल चीज़ें जो मैंने आपको बोल दी कि मतलब जैसे आपके लिए जानना ज़रूरी है वैसी नई चीज़ों के बारे में बता दिए। आगे बढ़ेंगे और इंजन और गेयरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में बात होगी, तो वहाँ पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि वहाँ पर कोई भी चेंज अभी तक तो एक्सपेक्टेड नहीं किया जा रहा है, जैसा कॉम्बिनेशन अभी आ रहा है वही सेम रहेगा। बात की जाए लॉन्च और प्राइसिंग की, तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे उसके बाद लॉन्च। प्राइसिंग होगी 10-18 लाख एक्स शोरूम, और ऑन रोड की बात करें तो 22 या फिर 22.5 लाख ऑन रोड जा सकती है। वहीं पे लॉन्च की बात करें तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो अक्टूबर के बाद आप मान के चल सकते हो कि इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग अनविलिंग बुकिंग डिलीवरी सब कुछ प्लान कर चुके हैं ह्यूंडई इंडिया। बाकी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती रहेगी आपको वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।